उठाना मौका हो रहा है यार। Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ शालू और आप देख रहे हैं इंडियन फैशन आइडियाज, जहाँ हम बात करते हैं इंडियन फैशन, डिजाइनिंग, कटिंग और स्टिचिंग के बारे में। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हाफ एंड हाफ साड़ी का रीयूज प्रोजेक्ट। ये मेरे एक क्लाइंट की साड़ी थी, उन्होंने ये साड़ी मुझे रीयूज करने के लिए दी। ये एक उनकी काफी पुरानी साड़ी थी। इस साड़ी का जो हाफ मटेरियल था वो जॉर्जेट का था और हाफ जो था वो नेट का था। जो सारा प्लीट्स एरिया था वो सारा जॉर्जेट का था और उस पर जरी वर्क हो रखा था, और जो पल्लू वाला एरिया था वो सारा पिंक कलर के नेट में था और उस पर सीक्वेंस वर्क से कुछ एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी। ये एम्ब्रॉयडरी कहीं कहीं थी वो पूरे पल्ले पर नहीं थी, और जो सारा प्लीट्स वाला एरिया था वो बॉटल ग्रीन कलर में था और उस पर जरी वर्क हो रखा था। इस पूरी साड़ी पर सीक्वेंस में बॉर्डर लगा हुआ था। साड़ी को रीयूज करके मैंने ये एक गाउन बनाया है। देखिए, ये जो सारा गाउन है ये सारा मैंने प्लीट्स वाले एरिया से निकाला है। आप ऊपर की तरफ ये दुपट्टा स्टाइल देख रहे हैं, ये मैंने सारा इसके पल्लू वाले पार्ट से निकाला है। ये देखिए कितना हैवी गाउन बना है। सारा गाउन का प्लीट्स वाला एरिया था, उसमें से मैंने कलियां काट कर ये गाउन तैयार किया है। उस प्लीट्स वाले एरिया से ये योक, ये ऊपर का योक और ये नीचे की तरफ वाली 12 कलियां निकल गई थी। सबसे पहले जो प्लीट्स वाला एरिया था उसमें से मैंने ये योक और ये 12 कलियां निकाली हैं। कलियों को लाइनिंग के साथ स्टिच करके यहाँ पर योक के साथ अटैच किया है। इस योक के नीचे भी मैंने लाइनिंग का यूज किया है क्योंकि जॉर्जेट मटेरियल था तो सी थ्रू था। साड़ी थोड़ी पुरानी थी तो मटेरियल भी थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। इसके नीचे मैंने अच्छी क्वालिटी की लाइनिंग का यूज किया है। इसके योक में भी लाइनिंग लगाई है और इसके ये हर एक कली के साथ लाइनिंग अटैच करके स्टिच की है। इस योक के साथ यहाँ पर स्टिच कर दिया। ये योक की जो लेंथ है वो है 15 इंच। नीचे की तरफ वाला एरिया है इसकी लेंथ 42 इंच है, तो टोटल 57 इंच का गाउन तैयार हुआ है। ये जो बॉर्डर आप अंदर की तरफ देख रहे हैं ये सीक्वेंस वर्क में बॉर्डर ऑलरेडी साड़ी पर दिया हुआ था, लेकिन जो ये ऊपर और नीचे की तरफ इस तरह से लेस देख रहे हैं ये मैंने अलग से इसको फिनिशिंग देने के लिए अटैच की है। इस साड़ी का जो मटेरियल था वो जॉर्जेट मटेरियल था तो इसलिए इस गाउन को वॉल्यूम नहीं आ पा रहा था, तो मैंने इसको वॉल्यूम देने के लिए नीचे कैनकेन का यूज किया है, और कैनकेन की इरिटेशन से बचाने के लिए मैंने नीचे कॉटन की लाइनिंग का यूज किया है। ये देखिए, जिससे कैनकेन पैरों में ना चुभे। इस कैनकेन के लगने के बाद इस गाउन को एक अच्छा सा वॉल्यूम मिल गया। अब जो साड़ी का नेट में पल्लू वाला पार्ट था उस पल्लू वाले पार्ट को यूज करके ये मैंने इस तरह का दुपट्टा वाला डिजाइन बनाया है। इस डिजाइनिंग को केप डिजाइन बोलते हैं। ये फ्रंट साइड पे तो ये बॉर्डर आ गया, लेकिन पीछे की तरफ बॉर्डर पूरा नहीं हो रहा था तो मैंने दो लेसेस को इस तरह से अटैच किया है, क्योंकि जो ये बॉर्डर है ये मैंने ऊपर दुपट्टे पर भी यूज किया है तो इसलिए कम पड़ गया था, तो पीछे की तरफ पूरा करने के लिए इस तरह से ये दो लेयरिंग में लेस का यूज किया है। और सेम नेक का डिजाइन दुपट्टे का भी कट करके इसको ऊपर से अटैच कर दिया और यहाँ पर इस तरह से ये बारीक बारीक लेस का यूज किया है। लेस मैंने फ्रंट और बैक दोनों पर लगाई है। इस तरह वाली लेस जो मैंने बॉर्डर पर यूज की थी वो लगाई है। जो साड़ी की विड्थ होती है वो काफी ज्यादा होती है, तो मैंने उस नेट वाले पार्ट को थोड़ा बीच में से कट करके ये ऊपर से बॉर्डर, ये एक साइड पे ऊपर से बॉर्डर दोबारा अटैच किया है। और जो ये साड़ी में बॉर्डर दिया हुआ था ये कहीं कहीं से नीचे लटकने के कारण खराब हो गया था और उसके धागे निकलने शुरू हो गए थे, तो उन धागों को फिनिशिंग देने के लिए और लॉक करने के लिए ये सेम लेस जो मैंने बॉर्डर पर यूज की है गाउन में भी वो मैंने यहाँ पर अटैच कर दी। ये मैंने दोनों तरफ पे नहीं की, सिर्फ नीचे की तरफ से जहां से कहीं कहीं लेस खराब हो रही थी या धागे निकल रहे थे वहां पर ही यूज की है। तो ये उस हाफ एंड हाफ साड़ी से ये इस तरह का एक हैवी गाउन तैयार हो गया।
इस तरह की और वीडियोस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे कई व्यूवर्स के मुझे कमेंट्स और डीएम आ रहे हैं कि आप जो ड्रेसेस बनाती हैं उनको स्टाइल करके भी दिखाइए। इन डिजाइन में सभी ड्रेसेस मेरी नहीं होती, जो मेरी होती है वो मैं आपको स्टाइल करके साथ दिखा देती हूँ, लेकिन जो ड्रेसेस मेरी नहीं है, मेरे क्लाइंट्स की है, तो मैं उनको पहन के नहीं दिखा सकती। मैं उनको स्टाइल करने के आइडियाज आपको दे देती हूँ। मेरे एक क्लाइंट का कमेंट आया था कि आपने जो अपने जो लेटेस्ट ब्लाउज बनाए हैं आप उनको अपनी गोल्डन स्कर्ट के साथ स्टाइल करके दिखाइए, तो वो ब्लाउजेज मेरे नहीं थे तो इसलिए मैं उनको स्टाइल करके नहीं दिखा सकती। मैंने अपनी गोल्डन स्कर्ट के साथ एक स्टाइलिंग वीडियो बनाई हुई है, मैं उस वीडियो को एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, तो आप वहां से वो देख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंडियन फैशन आइडियाज। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।